हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोस्केट वर्ल्ड। आज के वीडियो में सबसे पहले मैं कुछ आपसे पर्सनल बातें शेयर करूंगा। मैं एक स्पोर्ट्समैन हूं, एक कोच हूं। मैं अपनी लाइफ में डिसिप्लिन मेंटेन करने की कोशिश करता हूं कि डिसिप्लिन हो, खाने पीने में डिसिप्लिन, बोलने में डिसिप्लिन। तो आज एक बात शेयर करूंगा, हर आदमी चाहता है कि उसके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, प्री मेच्योर ग्रेइंग ना हो। उसके लिए छोटी सी टिप देता हूँ। आप अपना आगे से क्या करने वाला हूँ मैं अपने आने वाले वीडियोस में, आपको मैं हेल्थ टिप मतलब जो कि घर में ही अवेलेबल है, जो कि मैं खुद अपनी लाइफ में फॉलो करता हूँ, मैं आपसे शेयर करूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद ना हो, ग्रे ना हो, आपको करना क्या है, 7 बादाम लीजिए, आलमंड्स, उसको पानी में भिगो दीजिए। रात को सुबह किसी भी समय आप एक टाइम फिक्स कर लीजिए, मान लो आप ऑफिस जा रहे हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, किसी भी समय आप 7 बादाम आपने चबाने हैं। मैं बता रहा हूँ, आपने चबाने हैं आधा घंटा, हाफ एन आवर, मुश्किल लगता है शुरुआत में। अब आप बादाम मुंह में डालेंगे तो 2-3-4 मिनट में आपके बादाम आपके खत्म हो जाएंगे, चबाए जाएंगे। आपने प्रैक्टिस करनी इस बात की कि ये बादाम आपको लगभग आधा घंटा चबाने, इसको च्यू करना है। अगर आपने बादाम खाए और वो आपके पेट के अंदर गए तो वैसे ही तो कोई बेनिफिट नहीं है। बादाम को अगर आप चबाएंगे आधा घंटा तक, आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, चबाएंगे तो आपके बादाम आपकी स्किन ग्लो करेगी और आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। सी आपकी उम्र अभी 20, 22, 25, 30, आप स्टार्ट कर दीजिए, लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिलने वाला है। कई बार मेरे को कमेंट्स मिलते हैं, शेयर करो आपसे मैं कमेंट्स मिलते हैं कि सर आप कोई डाई यूज़ करते हैं, कौन सा कलर यूज़ करते हैं, जो मेरे बाल है मेरे को कहना नहीं चाहिए, 100% नेचुरल है। तो फ्रेंड्स, मैं हर वीडियो में कोई ना कोई आपसे फैक्ट शेयर करूंगा, जो फैक्ट नहीं, कोई ना कोई आपसे हेल्थ रिलेटेड आपकी जनरल प्रॉब्लम्स, जनरल उसकी रेमेडी शेयर करूंगा। तो अब हम अपने आज के वीडियो पे टॉपिक पे आते हैं कि इनलाइन स्केटिंग, प्रोफेशनल स्केट्स हम बोलेंगे कैसे शुरू करें। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। आपने प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स लिया, प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स किसे बोलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं कार्बन फाइबर का शू, स्पीड फ्रेम, स्पीड व्हील्स। आपने स्केट्स लिया, सबसे पहले क्या करना है, स्केटर को स्केट्स पे सीधे खड़े होना है, जो हमारा स्केटिंग का फर्स्ट स्टेप है। जब हम स्केटिंग स्टार्ट करते हैं दोनों हाथ खोल लेने हैं, जब शोल्डर्स में पेन हो हाथ नीचे कर लें। स्केट्स लेते सार एकदम नहीं दौड़ना है, ये स्केट्स जो आपने एडजस्टेबल इनलाइन पे स्केटिंग सीखी उससे काफ़ी डिफरेंट हैं। अगर आप एकदम दौड़ेंगे तो आपका शू बाइटिंग हो जाएगी, पैर में चोट लग सकती है, पैर कट सकता है। इसके बाद आपको करना क्या है, स्टार्ट बेटा, बिल्कुल स्लो स्लो, बॉडी स्ट्रेट विदाउट बॉडी बेंडिंग। आप देखिए विदाउट बॉडी बेंडिंग। प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स लेने के बाद आपको एक्सरसाइज 3-4 दिन तक करनी है, एकदम भागने की कोशिश नहीं करनी है। एक बार दोबारा देखिए प्लीज, बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट है, स्केट्स बिल्कुल आराम से, विदाउट बॉडी बेंडिंग, बॉडी स्ट्रेट चलना है, सीधा चलना है। ये फर्स्ट स्टेप हो गया इनलाइन स्केटिंग में, स्केटिंग स्टार्ट करने का। ये वीडियो देखा कि स्केटर ने पहले स्केट्स पहन के सिर्फ स्केट्स पे खड़े होना है, उसके बाद स्लो स्लो वॉक करना है, स्केट्स पे स्लो स्लो रोल करना है विदाउट बॉडी बेंडिंग। बॉडी बेंड शुरुआत में नहीं करनी। जब स्केटर शुरुआत में प्रोफेशनल इनलाइन स्केट्स पे स्केटिंग करता है तो उसके स्केट्स सीधे नहीं हो पाते हैं, वो कैसे उसके पैर मुड़े होते हैं, उसके लिए आप ये सेकंड वीडियो देखिए कि इस बच्चे के स्केट्स दोनों अंदर की तरफ बेंड हुए हैं। आप ये वीडियो देखिए, पहले सेकेंड वीडियो देखिए, आप देखिए कि इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं। इस बच्चे के पैर देखिए, स्केट्स देखिए, दोनों स्केट्स इनर एज पे स्केटिंग कर रहा बच्चा। ये
आपने देखा कि इस वीडियो में स्केटर के दोनों स्केट्स अंदर की तरफ गिरे हुए हैं ऐसे। इस प्रॉब्लम को कैसे हम सॉर्ट आउट करेंगे? स्केटर को डेली विदाउट बॉडी बेंडिंग स्केट्स पे बिल्कुल प्रैक्टिस करनी है स्लो स्लो। हमारा एक वीडियो है हाउ टू अवॉइड शू बाइटिंग ऑन इनलाइन स्केट्स, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे। उससे क्या होगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। उससे क्या होगा, एक तो आपकी शू बाइटिंग की जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। दूसरा, आपका स्केट्स पे बैलेंस बनेगा, कंट्रोल बनेगा। जब हमारा कंट्रोल और बैलेंस बनेगा तो हमारे पैर जो गिरे हुए हैं वो सीधे होने शुरू हो जाएंगे। अब एक दूसरे स्केटर के स्टेप देखिए, उसकी हैंड पोजिशन वो जल्दी नहीं कर रहा है, आराम से स्केट्स बिल्कुल सीधे, व्हील्स बिल्कुल स्ट्रेट सीधे हैं, बिल्कुल इधर उधर गिरे नहीं हुए हैं। सिंपल स्टेपिंग ऑन स्केट्स। आपने ध्यान क्या रखना है कि आपके स्केट्स राइट या लेफ्ट गिरे ना हो, व्हील्स या स्केट्स बेंड ना हो, झुके हुए ना हो। नेक्स्ट वीडियो में अब आप देखेंगे कि आपकी बॉडी बेंडिंग कैसी होनी चाहिए। जब आपके स्केट्स पे कंट्रोल बन गया तब आपको बॉडी बेंडिंग करनी है। हैंड पोजीशन आपकी कैसी होनी चाहिए, आपकी स्टेपिंग कैसी होनी चाहिए। ये एक ट्रेंड स्केटर है, आपको ऐसी स्केटिंग की पोजीशन में आने में कुछ समय लगेगा, पर अगर आप पेशेंस के साथ अपनी स्टेपिंग पर ध्यान देंगे और अपनी हैंड पोजिशन पर ध्यान देंगे तो आपकी स्टेपिंग, आपकी स्केटिंग एक परफेक्ट लेवल पे पहुंच सकती है। सो फ्रेंड्स, अब आप ये थर्ड वीडियो देखिए। अब देखिए आपके बच्चे ने स्केटिंग करनी कैसे है, इस बच्चे की स्टेपिंग देखिए। स्केटर को ये स्टेपिंग अचीव करने में टाइम लगेगा, 3 months, 4 months, इवन 6 months। अपने जल्दबाजी नहीं करनी है, हमारा फोकस स्केटर की स्टेपिंग पे होना चाहिए, स्पीड पे नहीं। जितनी हमारी स्टेपिंग अच्छी होगी उतनी हमारी स्पीड बढ़ती जाएगी, अगर स्टेपिंग अच्छी नहीं तो हमारी स्पीड रुक जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने ये वीडियो देखे, आप इन वीडियोस को फॉलो करते हुए विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी शू बाइटिंग, विदाउट एनी पेन प्रोफेशनल इनलाइन स्केटिंग सीख सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे हेल्थ टिप्स शेयर करूंगा और इनलाइन स्केट्स पे अगर आपने इनलाइन स्केटिंग सीख लिया तो टर्निंग को कैसे इंप्रूव किया जाए उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।